उनकी टीम थी वो पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे थे, तो विजय जी के एब्सेंस में मैं पाकिस्तान के लिए तो उनके एब्सेंस में मैं उनके लिए शायरी बोल रही हूँ पाकिस्तान टीम के लिए। हारने वाला भी एक सिकंदर होता है, हारने वाला भी एक सिकंदर होता है, बस आज पलड़ा दूसरी का भारी था। हम भी जीते कई मैदानों में और जीतेंगे, क्या हुआ आज टीम हमारी हारी। नौवीं बार आज ये शायरी फिर से सुनाती हुई शिल्पा, आपकी शायरी का मैंने दूसरा वर्जन खोजा है जी। हारने वाला भी एक सिकंदर होता है, हारने वाला भी एक सिकंदर होता है, कभी कभी मदारी के सामने वो बंदर होता है। लेकिन हारने वाला कभी सिकंदर नहीं होता, कभी कभार जो जीतता है तब सिकंदर बनता है, फिर वो हारता है। आप जीते कब? 2009 में जीते थे, इसके बाद से, और आप नीदरलैंड के भरोसे गए थे। तो तीन सवाल मेरे मन में आ रहे हैं आकाश को, आकाश आपके लिए। पहला सवाल, मैथ्यू हेडन ने जो बयान दिया था मैच से पहले कि, और संदेश दिया था कि हम इंग्लैंड को हराने आ रहे हैं, एक उनके बयान पर प्रतिक्रिया। दूसरा बयान वकार यूनिस का, जब पिछले साल हिंदुस्तान हारा था T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान से, उस समय उन्होंने क्या बयान दिया था, मैं दोहराऊंगा नहीं, ऐसे ही बयान आपको नीचा दिखाते हैं। आज वास्तव में वकार यूनिस, ये तमाम बड़बोले खिलाड़ी पाकिस्तान के अपने आप में शर्मिंदा हो रहे होंगे और सोच रहे होंगे कि ऐसे ही हमारे स्टेटमेंट हमारे खिलाड़ियों पर तनाव बढ़ाते हैं, दबाव बढ़ाते हैं। इन सब के जवाब में एक चीज कहना चाहता हूँ, पहली बात तो आपने घबराना नहीं है, दूसरी बात शोएब अख्तर, वकार यूनिस, सकलेन मुश्ताक जितने भी हैं दिग्गज, उनके पास आप जब टीम का हिस्सा थे आपके अंदर वो मात्रा नहीं था, वो प्रतिभा नहीं थी, वो विश्वास नहीं था, वो टैलेंट नहीं था कि आप कभी हिंदुस्तान को वर्ल्ड कप के स्टेज पर हरा पाओ। तेरा एक का अंतर है, आंकड़े एक बार फिर से देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा, दशक बीत गए, दशक, 13 बार हमने आपको पटकनी दी है, एक बार आपने हमें, और एक बार जब आपने हमें दी हमारा बड़बोलापन नहीं जागा, 13 बार आपने, हमने आपको हराया, हमने कभी बड़बोले वाले बयान नहीं दिए, आपने एक बार हराया, किस्मत के भरोसे जिम्बाब्वे से हार के नीदरलैंड के आशीर्वाद से आप सेमीफाइनल में पहुंच गए, जैसे तैसे सेमीफाइनल जीत लिया, उसके बाद आपके प्रधानमंत्री, आपके पूर्व दिग्गज खिलाड़ी शाहिद अफरीदी, शोएब अख्तर, इनका ऐसा बयान आ रहा है जैसे कोई कीर्तिमान रच दिया हो पाकिस्तानी टीम ने। अरे आपके सबसे कायर बल्लेबाज, अब मैं आप कह रहा हूं, जो आप डरपोक शब्द का इस्तेमाल कर रहे थे भारतीय बल्लेबाजी के लिए, हमारे में तो ऐसे थे कि 7 ओवर में 42 गेंदों में 89 रन बना लिया उन्होंने, और आप सबसे डरपोक बल्लेबाजी अगर किसी के पास है पूरी दुनिया में तो वो उसका नाम है पाकिस्तान। बिल्कुल, मैं आकाश से बहुत हद तक सहमत हूँ। जब आप एक दिग्गज खिलाड़ी होते हैं, आप पूर्व क्रिकेटर होते हैं, किसी बड़े पद पर बैठे होते हैं, तो आप किसी के खेल को बुरा नहीं कह सकते। आपका